हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए डिज़ाइन का डोरमेट। इसको हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने चार कलर की वूल ली है। आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, हमने ऑरेंज में ये देखिए ब्लू का बैकग्राउंड दिया है और ग्रीन में वाइट का बैकग्राउंड दिया है। तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट किया है। काफ़ी प्यारा बन के कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 20 फंदे इसमें ले लिए हैं और 2 फंदे ऐड किए हैं, तो 22 फंदे हमने लिए हैं यहाँ पे। आप इसी तरीके के फंदे लेंगे, 4 के मल्टीपल से फंदे लेके, तो हमने 20 लिए, उसके बाद हमने 2 इसमें ऐड कर लिए। तो आप इसको 32 फंदे का भी बना सकते हैं, 42 फंदे का भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट रो में ही डिजाइन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए इस तरह से आपको फंदे लेने हैं। जैसे कि फंदे आपने आधे आधे किए और 2 फंदे आप इस साइड में ज़्यादा कर लेंगे, उसके बाद सेकंड कलर को लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदे बिना बुने यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं और यहीं से पलट ले रहे हैं। इस साइड जो जैसा है उसको वैसे ही बनाना है। सीधे साइड में आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बुनते जाना है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे हम धागा को क्रॉस करा देंगे। ये देखिए, धागा आपको ऐसे क्रॉस कराना है, ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप देखिए इस तरह से, ये हो गया। इसको टाइट करके थोड़ा सा आगे लाएंगे ब्लू को और यहाँ से हम 12 फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए, और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बना के आप कंप्लीट कर लेंगे और बिगनर्स भी इजीली इसको बना पाएंगे। तो देखिए, अब इस फंदे को आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, या फिर आप ऐसे भी बुन सकते हैं बिना उतारे। ये उधर से हमने बुना, इधर से उतार लिया। तो अगर आपको चैन चाहिए तो आप ऐसे ही बनाइए, और सिंपल बुनना है तो आप उस तरीके से ही बना सकते हैं। आप देखिए, हम 12 फंदे फिर से बुन लेंगे। तो यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये देखिए। अब यहाँ से हम इसको इधर कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम टाइट करके, और यहाँ से 2 इसको भी हम टाइट कर लेंगे और इधर को दबा देंगे। 3 4 5 6, अब 2 हमने फिर से छोड़ दिए और यहीं से हम वापस पलट लेंगे। तो यहाँ से जो जैसा है उसको वैसे ही बुनते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे इसको बना लिया। अब इसको हम ऐसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे। तो यहाँ से इन फंदों को हम बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 4 रो पूरी हो गई, 2 इधर आ गई। तो अब हम 4 फंदे आगे आएंगे। तो यहाँ से देखिए, 1 उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हमने बुने ब्लू कलर से। अब यहाँ से देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ से ऑरेंज कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे ये बुन लिए। और देखिए, 5 6 7 8, 8 मेरे पास ये आ गए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 8 लिए थे, ठीक वैसे ही फिर से रिपीट हो गई ये डिजाइन। तो यहाँ से अब हम पलट लेंगे, यहाँ से इस रो को हम ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, तो
इसको हमने ऐसे करना है, इसको आगे लाना है, यहाँ से ब्लू कलर से सारे फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से हम वापस इसको पलट लेंगे और इस फंदे को उतारेंगे, भूल अपने तरफ करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखिए इसको हम इधर करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दो हमने फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया और इधर की रो हम कंप्लीट करेंगे। सीधे तरफ की रो कंप्लीट कर ली, चार रो यहाँ पे भी आ गए। अब हम चार फंदे फिर से आगे आ जाएंगे, चार चार फंदे आपको आगे आते जाना है। तो देखिए इसको हमने उतारा, अब हम सिर्फ यहाँ पे चार फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये देखिए आप जितना मर्जी बड़ा बनाएंगे ऐसे ही आपको चार चार फंदे आगे आते जाना है। तो 2, 3, 4, अब देखिए यहाँ से 5, 6, 7 और 8 दो हमने फिर से छोड़ दिए, इधर कुछ नहीं करना है, सो दो फंदे सिर्फ छोड़ते हुए जाना है और ये चार चार रो पूरी करते हुए आपको ये कंप्लीट करना है। ऐसे देखिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस करा देंगे, इसको आगे लाएंगे ब्लू को, ये देखिए चार फंदे ब्लू कलर से बुन लेंगे, 2, 3 और 4। ये देखिए यहीं से हम पलट लेंगे, अब देखिए यहाँ से वापस हम इस फंदे को उतार लेंगे, ऐसे भूल अपने तरफ करेंगे, ये चारों फंदे हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे क्योंकि हमें चार चार रो बनानी है। इसको हमने इधर किया और यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6 दो फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ये फिर से कंप्लीट हो गए चार रो, ये देखिए। अब देखिए लास्ट के जो चार फंदे हैं इनको भी हम ऑरेंज कलर से ही बुनेंगे, ऐसे। अब ब्लू के फंदे हो गए खत्म, सारे एंड तक हमने इसी कलर से बना लिए, 4, 5, 6, 7 और 8 दो हमने फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से वापस एक बार हम और इनको बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 दो हमने फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट लेंगे। तो देखिए दो दो करके हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 × 2 = 16 फंदे छोड़ दिए हैं, 6 फंदे जो रह गए हैं हमारे ये नहीं छूटे हैं। यहाँ पे चार रो हमारी कंप्लीट होती हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे दूसरे कलर से कली डालेंगे। तो अब देखिए जिस कलर से आपको अगला बेस रखना है, जैसे हमने ये ब्लू कलर से बेस रखा है, वैसे ही आपको जिस कलर से भी रखना है उसको आपको लगाना है। तो यहाँ से हम वाइट कलर का बेस रखेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ से 1, 2, 3 इस रो में सारे फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे, ऐसे देखिए। इस धागे को हम साथ में ले जाएंगे ताकि खुले नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे नॉट भी लगा सकती हैं। देखिए इस तरह से हम पूरी रो बना लेंगे, जितने मर्जी फंदे आप बना रहे हैं इसी तरह से लास्ट तक आपको वाइट कलर से ही, जिस कलर को लगाएंगे आप उस कलर से बुन लेने हैं। ये देखिए क्योंकि यहाँ से होगी दूसरी कली स्टार्ट,
तो यहाँ से हम ये रो पूरा कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें दो रो बना ली हैं। अब देखिए हम फर्स्ट रो फिर से रिपीट करेंगे, तो यहाँ से एक फंदा उतारा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ये देखिए जैसे हमारे पास इसमें 22 फंदे हैं, तो 12 फंदे हमने इधर कर लिए, 10 फंदे इधर करेंगे। चाहे जितना मर्जी बड़ा बनाएंगे आप, फंदे आपके आधे आधे होंगे और दो फंदे इधर को ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम लगाएंगे ग्रीन कलर, तो यहाँ से दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए। यहीं से हम पलट लेंगे और यहाँ से हम ये रो पूरा करेंगे, तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने, अब देखिए यहाँ से हम इसको उतार लेंगे और फिर से ये 12 फंदे ही बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, और एक उतार लिया था तो 12। अब देखिए इसको हम इधर करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छ, दो हमने फिर से छोड़ दिए। यहीं से हम पलट लेंगे और इधर की रो कंप्लीट करें, तो देखिए यहाँ पे हो गई चार रो दोनों तरफ की, दो रो इधर आ गई, तो अब हम चार फंदे आगे आएंगे। तो देखिए इसको हमने उतारा और ये वाली दोनों बूल हम ऐसे रख के ऊपर के साइड रख लेंगे ताकि हमें अगली कली में ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये हमने कर लिया, अब इसके बाद हम इसको इधर कर देंगे और यहाँ से वाइट कलर से बुनेंगे, तीन चार पाँच छ सात और आठ। ये देखिए चार फंदे हम ऐसे कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। इधर की रो हम पूरा करेंगे, इधर की रो कंप्लीट हो गई सीधे तरफ की, हम फिर से इस फंदे को उतारेंगे भूल अपने तरफ, दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ बनाने के बाद हम इसको इधर कर लेंगे, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच और छ, दो हमने फिर से छोड़ दिए यहाँ पे और यहीं से हम पलट लेंगे इस साइड में, जो जिस कलर का है उसको बना लेंगे। ये देखिए फिर से चार रो हो गई, अब चार फंदे फिर से हम आगे से कर लेंगे ग्रीन से, तो देखिए इसको हम उतार लेंगे, सिर्फ चार फंदे बुनेंगे, दो तीन और चार। ये देखिए चार ये वाले हम ऐसे बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ बनाने के बाद हम यहीं से दो छोड़ के और पलट लेंगे, यहाँ की रो कंप्लीट करेंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली मैंने, अब इसको हम उतार लेंगे फिर से और इन वाले धागों को हम और आगे कर लेंगे यहाँ से एक बार, ताकि अच्छे से हो जाएं। तो ये चार फंदे हमने वाइट बुने, उसके बाद इसको हम इधर कर लेंगे, यहाँ से ग्रीन से बुनेंगे, दो तीन चार पाँच और छ। ये देखिए दो हम फिर से छोड़ देंगे, दो दो फंदे हमें छोड़ते हुए जाना है, तो यहाँ से हम ये देखिए दो तीन चार पाँच और छ। ये देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे, वाइट को आगे लाएंगे, तो चार फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इस रो में हम सारे फंदे ग्रीन से कर लेंगे, चार चार फंदे हम आगे आ गए हैं, तो लास्ट के फंदे भी हम इसी से बुन लेंगे। ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात, एक उतार लिया था आठ, तो यहाँ से पलट लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। ये देखिए अब वापस एक बार हम और बुनेंगे इन्हें, तो यहाँ से इसको उतारा, दो तीन चार
पांच छः, दो हमने फिर से छोड़ दिए, यही से पलट लेंगे, तो ये छः फंदे आ गए हमारे पास, दो तीन चार पांच और छः, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे फिर से 16 फंदे छोड़े, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, आठ दूनी 16 और छः ये फंदे बिना छूटे हैं। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। लास्ट में हम आ गए हैं, तो अब फिर से हम रिपीट करेंगे, तो ब्लू कलर, तो अब देखिए हम फिर से ब्लू कलर को ऐड कर लेंगे इसमें उल्टे तरफ से, और जो भी कलर आप चेंज करेंगे वो उल्टे तरफ से ही करेंगे। तो इसको हम यहाँ से एक दो तीन और इसको साथ में ले आएंगे, क्योंकि हमें आगे से कली डालनी है, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। हम इसको ऑरेंज वाले को अब यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि 10 फंदे से हमें फिर से कली स्टार्ट करनी है। तो इस बार हम सारे फंदे बुन लेंगे। तो दो कली हमने आपको बना के दिखा दी, यहाँ से होती है अब तीसरी कली रिपीट, जो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करे थे वही। ये देखिए तो यहाँ से हमने ब्लू कलर ऐड कर लिया और इसमें हम ऑरेंज कलर से कली डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ से डाली थी ठीक वैसे ही। तो इसको हम पूरा करके फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया, और देखिए ये ग्रीन की डिजाइन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हम अब कोई रो नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डली हुई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लोज करना है। तो अब देखिए ये सारे फंदे हम यहाँ से बंद कर देंगे, दो का एक करते हुए यहाँ पे हम ऐसे बंद करेंगे, एक दो इस तरह से इस फंदे को, और एक आगे से लेते हुए हम सारे फंदे ग्रीन कलर से ही बंद करेंगे। और ये वाइट वाली वूल जो है इसको हम थोड़ा सा अंदर ले आएंगे, उसके बाद हम कट करेंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे ये खुल जाएगी ऐसे। तो हम इनको बंद कर लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए, अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो सिलाई हम बाहर के साइड से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से। ऐसे मिलाते हुए हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से मैं सिल लेती हूँ।